आगे वाले ये देखें, ये सही पक्के में, ये अब कुछ आ गया, ये देखें ये सही पक्के, और रस वाले लाग रहे हैं, ये देखें ये आसमान ने कर दिया, ग्रीन ग्रीन भी तोड़ ये तीन मैंने तोड़े थे ना बाजी, ये मेरा बेटा वहाँ से बाजी कह रही थी कि ये लोग कुछ कहते नहीं हैं, तो फिर हम ये तोड़े थोड़े से, और माशाल्लाह से रस वाले लाग रहे हैं, गुड स्मेल है ये, शायद शलजम है, पता नहीं बेटा, शलजम शायद टर्निंग, हाँ फिर क्या है मामा, फिर खुद को दूसरा शलजम ही था वो, और ये जानवर का चारा लगाया हुआ है ना बाजी, ये सब फिर ये गंदुम है, ये गंदुम है जो मैं समझी वो है, और यहाँ पे पार्टी बचाने शुरू करते जो चीज लेके आए थे, यहाँ से ये जो ये है ना इधर से स्टार्ट होती है आगे तक, और फिर इनकी वो वाली उधर भी है, उस साइड पर भी हम बाद में जाते, पहले हम इधर आ गए, और ये आम का दरख्त भी इनका ये है, पिछली बार हमारे से बहुत आम खाए, बहुत वो तो कच्चे बहुत ही खाए थे, ये भाईजान लोगों की ये पराली है ना, ये लेके जानी है, क्योंकि कभी गैस ख़त्म हो जाए, गैस मतलब इनके सिलेंडर होते हैं, तो फिर ये वाली जो है इस वो मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता है, तो इसलिए फिर ये इन्होंने बनाई है। अच्छा अच्छा ये वो दरियाए पाक वो जो रस्ते में आया था मैंने आपको बताया था, ये सारा उसी के एंड, ये ज़मीन भी पहले वही दरियाए पाक ही थी, लेकिन अब पानी नहीं आता ना इधर, अब यहाँ पानी नहीं आता, इसलिए फिर ये लोग ये लगा लेते हैं जी। ओपन ये एक बंदर ये कहते होती है बाजी, कहती है अभी ये गर्म होती है, तो जब जैसे सर्दियों में पौधे होते हैं तो अगर ठंड ज्यादा हो तो ये नीचे बिछा के ऊपर कपड़ा बिछा के तो इस पे बैठते हैं, भी लाग में डाल दिया ताहा भी चढ़ने लगा, पता नहीं चढ़ सकता कि नहीं, ये 6.5 कनाल है जो भाईजान लोगों ने खरीदा हुआ दरिया का, ये जो ये हिस्सा है, और अब्दुल्ला उधर चढ़ के चढ़ा हुआ है, ताहा कोशिश कर था लेकिन ताहा तो नहीं चढ़ सकता, लाजमत है उसको आता ही नहीं है चढ़ना, ये सारी जो है अब ये भाईजान लोग हैं, इन्होंने अब ये गंदुम लगाई हुई है, इनकी छोटी है अभी, लहसुन लगाया हुआ, ये देखो ये शलजम, ये सारा शलजम लगा हुआ, उस्मान भी निकाल, उस्मान भी देख, यहाँ भी कुछ लगा ही होगा मुझे लगता है, अभी निकला नहीं, ये मटर, ये पता नहीं क्या लगाया हुआ, ये इसको कवर किया हुआ, और ये हल्दी लगी हुई है, ये सारी, ये टाइनी सा शलजम, शलजम को वैसे गोंगलू भी कहते हैं, कोई निकालती हूँ एक, ये हल्दी तैयार हो गया ना भाई, कह रहे जनवरी में तो नहीं, हाँ सर्दियों में लोग हल्दी का हलवा भी बनाते हैं,
शिवानी ये देख कितना छोटा सा। ये भाई लोग का बेर का दरख्त और ये घटी ऊपर ये हाँ वो लगे हुए भी नहीं ये बेर नहीं है ये वो कह रहे टाली का दरख्त बेर वो लगे हुए इस तरह। खैर हमें क्या पता ठंडा हो गया वो नहीं कहाँ वो जा रहा है। ये इतना प्यारा परिंद बर्ड था ब्लू से कलर का तो बच्चा ने शोर करके उड़ा ही दिया। नहीं नहीं वो उड़ ही गया हम आ जाते वो और आ गए अब उड़ के वो उधर चला गया। यहाँ हम इंडिया के करीब ही है इंडिया इधर साथ ही लगता है। पहले तो हम मम्मी के साथ आए थे फिर हम दिफा जो है बॉर्डर लाइन तक वहाँ तक उससे पहले थोड़ा वहाँ तक गए थे हम लोग। जब रास्ते में इतना चल के ना मुझे तो गर्मी लग रही थी और अभी भी लग रहा है। अब हवा अच्छी खुशगवार सी लग रही है। ये सर्दियों में हमारा जो गांव है वैसे वो तो हम लोग सरगोधा साइड के तो वहाँ पे मेरी पप्पा भलवाल में रहती हैं वहाँ पे तो माल्टों का इतना ये सीज़न है। पप्पा कह भी रही थी आना लेकिन पता नहीं अब जाते हैं कि नहीं जाते। पिछली दफ़ा हम जब गए तो माल्टे ख़त्म हो गए थे ही नहीं और फिर जब हम लोग वापस आ गए और इतना पप्पा ने पता किया कज़न ने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से पता किया लेकिन किसी के में भी नहीं था। और फिर जब हम वापस आ गए तो फिर पप्पा कहती इतने दे आए थे और फिर उन्होंने भेजी फिर तो हूँ तो फिर पेटियाँ वगैरह पप्पा भेज देती हैं। और भाई जब जाए तो फिर वहाँ से शलजम पालक साग और मूलियाँ इस तरह के लिए कहता फ्रेश होती है गाँव वगैरह साइड पे तो ये फ्रेश मिलते तो अच्छे जूसी और अच्छी होती है। फिर माल्टे वगैरह भी ले लेते हैं। इस दफ़ा अभी कोई चक्कर ही नहीं लगा और अब पता नहीं लगता भी है कि नहीं। पप्पो कह रही थी आने का लेकिन कोई फिलहाल अभी है नहीं है। ये किसी का आम का जो है वो दरख्त लगे हैं। ये देखे अब इन लोगों ने ये गंदुम लगाई है ना बाजी हाँ ये सारा ये गंदुम ही लगी हुई है। बाजी रंग की अभी छोटी है वो बाकी सब वो आगे चले गए और ये उस्मान यहाँ से पत्थर उठाता है और वापस आता है और फिर बाहर जाके फेंकता है। उस्मान पास कर दो ना यार निकालना भी कोई नहीं तुम्हें क्या करना नाई गने ये कोल्ड है वाटर कोल्ड पानी गंदा पानी है अब हम लोग वापस जा रहे हैं तकरीबन गांव पहुंचने ही वाले हैं। इधर आना मैं उठाऊं बच्चे तो थक गए कब सिर्फ यही था क्या भाई हमारे तो नहीं आते मैं तो आए थे यू फोन के उसके सॉन्ग के यहाँ पर इंडिया जो है वो नज़दीक है तो यहाँ पहुँच के टाइम जो है ऑटोमेटिकली जो है आधा घंटा आगे हो जाता है तो अब 3 बजे हमारे जो आ रहा है मोबाइल में जब क्योंकि बॉर्डर नज़दीक हो आपके 2:30 मेरे 3:00 हुआ था फिर 2:30 मेरे हम वो अब आगे ज़रा आ गए हैं इसलिए मेरे 3:00 अभी आ रहा था जब मैंने देखा तो अब देखते हैं। और मेरे अभी भी 3:00 आ रहा है मेरे जो हस्बैंड उनके पे अब 2:30 पहले 3:00 आ रहा था फिर 2:30 हो गया शादी मेरे अभी भी 3:00 आ रहा है तो इंडिया साथ लगने की वजह से ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो आगे आधा घंटा हो जाता है। अब ये देखें फिर से धूंध आने लग गया आधा घंटा आगे उनके 3:00 है ना हमारे 2:30 वो इंडिया के हिसाब से ये टाइम ना हो लेकिन ये तो हमारे इंडिया में
हाँ पीछे हम लोग वो भैंस का दूध निकाले थे तो वो रुक गए थे, अभी स्प्रे कर रहे हैं। आते आते तो थक ही गए हम लोगों को अब आदत ही नहीं रही इतना चलने की, तो वो हम बच्चे भी थक गए थे कि उठाओ उठाओ। वो एक अकेली खबर है, ये पता नहीं किसी बुजुर्ग की है बाजी। हाँ ये किसी बुजुर्ग की है, और यहाँ पे ना जैसे तो मई जून होती है तो लोग ना घरों से पैसे इकट्ठे करके ना तो यहाँ देख शेख पकाते हैं, फिर बच्चों में तकसीम कर दी जाती है। ये किसी बुजुर्ग की है कहते हैं, अब ये एक दो दफा इसको ना उन्होंने किया भी है कि इसको खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ आके ट्रैक्टर रुक जाता है, ट्रैक्टर नहीं फिर चलता। इसका बर का है नाम बाबा लब्बा, शायद वो ढूंढी होगी तो इसीलिए यही नाम रख दिया होगा बाबा लब्बा। ये पता नहीं सौंफ चिड़ी आई है, कबर ज्यादा सही नजर आ रहे, पीछे से तो दूर सही था। ये बाबा लब्बा की कबर है। मैं समझी लोग हमारे इंतजार में तो खड़े हैं, और पता लगा उस्मान छुप के चीजी खा रहे है। उस्मान मैं समझी लोग हमारे इंतजार में तो खड़े हैं, और पता लगा उस्मान छुप के चीजी खा रहे।